Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं सुलेखा अरफात, सुलेखा किचन से. आई होप आप सब ठीक होंगे. मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ. सो आज हम क्या बना रहे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैगी मसाला पॉपसिकल्स. बहुत ही मजेदार बनती, बहुत यम रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा. और वैसे कुछ रमजान की रेसिपीज मैं मेरे चैनल पर पहले से ही डाल चुकी हूँ, उन सारों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा. तो जल्दी जल्दी बनाते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की. चलिए, ये है तकरीबन एक कप जितना चिकन का स्टॉक. मैंने अभी अभी बनाया है चिकन हलीम बनाने के लिए. मैं आपको बता देती हूँ स्टॉक कैसे निकला. यहाँ 250 ग्राम चिकन बोनलेस को मैंने मीडियम पीस करके 2.5 कप पानी डालकर, नमक डालकर, एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मीडियम आंच पर उसे बॉईल कर लिया. तब तक बॉईल किया जब तक चिकन नहीं गल गई. चिकन गल गई तो मैंने उसे चिकन को निकाल लिया और ये तकरीबन एक कप जितना पानी बचा हुआ है. अब इसे मैंने फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दिया. एक उबाल खिला लीजिए. एक उबाल आ जाए तो मैगी के पैकेट के अंदर से आधी मैगी लीजिए और इसमें डाल दीजिए और मीडियम आंच पर या फास्ट आंच पर इसे पकने दें. नमक मत डालिएगा, मसाला भी मत डालिए. तब तक पकाए जब तक मैगी भी गल जाए और ये पूरी तरीके से पानी सूख जाए. जब पानी सूख जाए चूल्हा बंद करके इसे साइड पर ठंडा होने रहने दीजिए. ये है 250 ग्राम चिकन कीमा लिया है मैंने. कीमा ही लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा. और इसे मैंने 2-3 पानी से धोकर नितारने के लिए छन्नी के ऊपर 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था. अब मैं तब भी इसे हल्का हल्का हाथों की मदद से स्क्वीज कर रही हूँ और फिर मिक्सर जार के अंदर डाल रही हूँ. एकदम ज़्यादा मत स्क्वीज करके इसकी जान मत निकाल दीजिएगा. ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का स्क्वीज कीजिए. हमारा मकसद ये है कि पानी ना जाए, बस इतना देखना है हमें. अच्छा, छन्नी पर भी जो लगा हो वो भी सारा ले लीजिएगा. कोई भी चीज़ वेस्ट ना होनी चाहिए, बहुत महंगी चीज़ें आती है आजकल. एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा. यहाँ पर मैं आधा छोटे चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा. और 1/8 मतलब 1/4 का आधा, तो 1/8 छोटा चाय का चम्मच मैं काली मिर्चियों का पाउडर डाल रही हूँ. 1/4 1/4 छोटे चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी वाला था, ये भी डाल रही हूँ. 3 साबुत लहसुन डाल दिए मैंने 1/4 छोटे चाय का चम्मच भर के. ऑरेगानो डाल दीजिए हर्ब. 1/4 विनेगर डाल दीजिए, छोटे चाय का चम्मच 1/4 था. और ये भी 1/4 छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए. और 1 छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस डालकर इसे पीस लीजिए. पॉपसिकल बनाने के चक्कर में मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि 1-2 चीज भूल गई थी, तो बीच में से मैंने खोल लिया इसे फिर से. और अब इसमें डाल देती हूँ आधा छोटे चाय का चम्मच असली घी का. आप तेल या मक्खन भी डाल सकते हैं. और इसमें आधे ब्रेड को हाथों की मदद से तोड़ दीजिए, बारीक बारीक पीस कर कर इसमें डाल दीजिए. अच्छा, अब बात आती है सोया सॉस पर. मुझे आधा छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस डालना था, बट मेरा बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसके लिए मैंने पहले 1/4 डाला. और अब मैंने देखा कि कलर ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने फिर से 1/4 डाल दिया. अब इसे ढक कर, आपने पूरा आधा ही डालना है अगर आपकी लाइट हो तो सोया सॉस. मेरी डार्क थी इसके लिए मैंने दो हिस्सों में डाला है. अब इसे ढक कर बहुत अच्छे से पीस लीजिए इस तरीके से. अब जब पीस लें तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए थाली के अंदर इस तरीके से. जो भी साइड वाइड पे लगा हो वो सारा लीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा. अब ये जो मैगी हमने बनाकर रखी एकदम फ्लेवरफुल, जो इसे डाल दीजिए ये हमारे चिकन के ऊपर. चिकन के स्टॉक में नमक था, इसके लिए मैंने मैगी में अलग से नमक नहीं डाला था. और अब यहाँ पर मैं ये जो मैगी का मसाला आता है ना वो आधा डाल रही हूँ. हाँ, ये जो मसाला आता है ना, तो ये आधा डाल दीजिए और इसे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अगर आपको लगे कि हाथों को थोड़ा सा तेल से ग्रीस करने जैसा, तो थोड़ा कर लीजिएगा और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए. मिक्स हो जाए तो इसे फ्रिज के अंदर तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए रहने दें, सो दैट हम जब शेप देंगे तो उसमें थोड़ी सी बॉडी आ जाए ना, ये थोड़ा मैनेजेबल हो जाए. यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा घाई में रहती हूँ तो मैं इसे फ्रीजर में ऊपर रख देती हूँ तकरीबन 15-20 मिनट या 1/2 घंटे के लिए, सो दैट वो अच्छा थोड़ा सा स्टिफ हो जाए. एक बाउल के अंदर 4-5 टेबल स्पून जितना मैदा डालिए. पानी अपने हिसाब से डालिएगा, 1/2-1.5 कप जितने के दरमियान में लगेगा. उसमें थोड़ा सा नमक डालकर बहुत अच्छा घोल बना लीजिए मीडियम कंसिस्टेंसी का. ना ही गाढ़ा ना ही पतला, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. और बिल्कुल भी बैटर में गुठलियाँ ना रहें, इसके लिए बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा और इसे भी बनाकर साइड पर रख दीजिए.
20-25 मिनट हो गए, मैंने फ्रीजर से निकाला है, आप फ्रिज के अंदर आधे पौने घंटे के लिए रखे होंगे, तो कोई बात नहीं, वहां से निकाल लीजिए, हाथों को तेल की मदद से ग्रीस कीजिए और इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए। मैंने तकरीबन लगभग 8 पोर्शंस लिए हैं। अब उसे एक पोर्शन को लीजिए, हाथों में इस तरीके से बॉल बनाए और चपटा बनाते हुए ऐसा शेप देते जाएं, ये देखिए आइसक्रीम का शेप देते जाएं, साइड से भी अच्छा शेप दें, नीचे से स्ट्रेट शेप दें और ऊपर से गोलाई वाला शेप दें, और इसे इस तरीके से, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, एकदम मोटा भी नहीं होना चाहिए। अब एक स्टिक लीजिए और बीच में इस तरीके से थोड़ा अंदर तक डाल दीजिए ऐसे। अच्छा, अब हाथों की मदद से आइसक्रीम जैसा शेप दे दीजिए साइड वगैरह से एंड ऑल। अच्छा, अगर आप चाहें तो अभी इस समय और थोड़ा लंबा करना चाहते हैं इसे, तो और थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हैं इसे, आप इसी स्टिक के ऊपर रखे रखे थोड़ा सा, हाँ इस तरीके से हाथों की मदद से आप फैलाएंगे ना तो फैलती जाएगी। तो ये बन गई हमारी एक पॉप्सिकल, इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। तकरीबन मैंने 8 बनाए हैं, 8 से 9 तकरीबन ये मेजरमेंट के लिए निकलेंगे। अगर आपको ज्यादा बनानी है तो जो अभी मैंने सारा मेजरमेंट्स बताया है ना चीजों का, वो डबल कर दीजिएगा। जैसे मैगी मैंने आधी ली, आप पूरी ले लीजिएगा, चिकन मैंने 250 ग्राम ली, आप 500 ग्राम ले लीजिए, और सारी जो इंग्रेडिएंट्स है उसे डबल कर दीजिएगा, तो तकरीबन समझिए ना 16-17 बन जाएंगे। चलिए ये सारे बन चुके हैं। अब मैंने मैदे के आटे में नमक नहीं डाली थी, तो थोड़ा सा नमक डालकर मैं पहले तो इसे चला लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कैसा टेक्सचर है, ना ही पतला ना ही गाढ़ा, एकदम परफेक्ट टेक्सचर है। अब एक स्टिक लीजिए, पॉप्सिकल लीजिए, इस तरीके से बराबर से चम्मच की मदद से चारों ओर डाल दीजिए मैदे के मिक्सचर को। और ये जो हमारी स्टिक है ना, जहाँ हमने स्टिक डाली है वहां पर बहुत अच्छे से कीजिएगा कि बराबर से जाए, और फिर इसे ब्रेड क्रम में इस तरीके से बराबर से वेल कोट कर लीजिए। और यहाँ पर भी याद रहे कि जहाँ स्टिक हमने लगाई है वहां पर आप ज्यादा ध्यान दें और चारों ओर अच्छे से वेल कोट कर लें। और ये बन गया हमारा एक बढ़िया सा पॉप्सिकल, इसी तरीके से सारे पॉप्सिकल को बना लें। अब सारी जब बन जाए तो इन्हें प्लेट में डालकर, थाली के अंदर डालकर फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए रहने दें। अगर आप इसी समय फ्राई करना चाहते हो तो आधे पौने घंटे के बाद ही फ्राई कीजिएगा, पहले फ्रिज में रख दें। अच्छा, अब आप चाहें तो इसे तकरीबन फ्रीज करके स्टोर करके भी खा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आप ये थाली जब आप ये पूरा कर लें, वेल कोट कर लें, तो थाली लीजिए और डायरेक्टली ऊपर फ्रीजर में रख दीजिए 1 घंटे के लिए, या फिर आप नीचे फ्रिज में रख रहे हैं तो 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। जब अच्छी स्टिफ हो जाए तो इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर सबसे पहले नीचे बटर पेपर डालिए, फिर आपकी ये एक एक करके ये स्टिक्स डाल दीजिए, फिर से बटर पेपर डालिए और स्टिक्स डालकर इसे ढक कर तकरीबन 15-20 दिन तक आप इसे रख कर फ्रीज कर स्टोर कर खा सकते हैं। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर ना हो तो आप जिप लॉक बैग के अंदर इसे डालकर जिप लॉक लगा दें और इसे फ्रीजर में रख दें। अच्छा, जिप लॉक बैग के अंदर एक के ऊपर एक मत डालिएगा, साइड बाय साइड लगाकर रखिएगा इसे। चलिए, मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मुझे अभी ही बनाना है। अब तेल फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए, अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर 2-3 पॉप्सिकल्स एट अ टाइम डालें। उसे आधे पौने मिनट तक फ्राई होने दें, जब आधा पौना मिनट हो जाए तो उलट पलट करते जाए, और मीडियम आंच पर तकरीबन उलट पलट करते हुए समझे ना 6-7 मिनट के दरमियान तक पका लें। इस दरमियान में ये होगा कि अंदर से चिकन पक भी जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि कच्ची चिकन है, और बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगी हमारी चिकन, तो दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी 6-7 मिनट के अंदर। उसके बाद इन्हें निकाल कर नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख दीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा, नहीं तो थोड़े से ये हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं रहेंगे। जब हो जाए तो निकाल लीजिए और साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए, बैचेस के अंदर फ्राई कीजिएगा। अच्छा, अब आप चाहें, अब आपका तेल अगर बाय मिस्टेक आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर की कवरिंग डार्क हो रही है, तो आप क्या कीजिए, मीडियम के बजाय मीडियम से नीचे, हल्का नीचे रखें लेकिन लो से थोड़ा ऊपर रखें, तो लो से मीडियम आंच के दरमियान में भी आप पका सकते हैं। जी हाँ, इसे मैं इसे बीच बीच में लो से मीडियम आंच भी कर रही थी। आप चाहे तो मीडियम पर पकाएं, आप चाहे तो लो से मीडियम के दरमियान में भी पका सकते हैं, लेकिन मीडियम से ऊंचा मत कीजिएगा आंच को। तो चलिए, मैंने सारी बना ली है, यह मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज्यादा गर्म है। चलिए मैं दूसरा ले लेती हूँ, एक ये मैं तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए,
बहुत ही मजेदार, सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से क्रिस्पी, और इसका जो टेस्ट है ना आपके मुंह से नहीं जाएगा, इतने स्वादिष्ट है। आप एक खाएंगे उसके बाद तीन चार लगातार खाते रहेंगे, इतना बढ़िया और मजेदार टेस्ट है इसका, है ना। डिलीशियस हमारी रेसिपी आज की। तो कैसी लगी रेसिपी, है ना मजेदार? अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगे जल्दी जल्दी लाइक कीजिए वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो के लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। सो बस फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।